बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं सईद चौधरी। कल मरियम नवाज शरीफ के हवाले से हमने दो व्लॉग्स किए थे, तो आज उसमें एक डेवलपमेंट हुई है कि अली अहमद कुर्द, जो बड़े जय्यद वकला में से हैं, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ की वकालत करने से इनकार कर दिया है एवनफील्ड रेफरेंस में। इसकी क्या तफसीलात हैं और फिर वो जो मवाद है उसको कैसे संभाला जा रहा है और वो किस किस्म का मवाद है मरियम वाला नवाज़ जो पेश करना चाह रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी नई अपील के ज़रिए या एक मुतफरक दरख्वास्त के ज़रिए, इस पर बात करेंगे। और अली अहमद कुर्द ने क्यों इनकार किया ये भी बात करेंगे। और दूसरा, जो इस वक्त जब हम वीला कर रहे हैं 5:15 पे, तो उस वक्त जुडिशल कमीशन का अजलास जो है वो जारी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में, और जस्टिस आयशा मलिक जो चौथे नंबर की खातून जज हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के लिए ये अजलास हो रहा है। और वहाँ क्या फटाफट गया है ये बात करते हैं। मुल्क भर के वकला जो है वह एहतजाज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला बड़ी तादाद में जमा है, तकरीरें हो रही हैं, नारे लग रहे हैं कि मनमानी नहीं चलेगी, ये जो भी एक होता है नहीं चलेगी वगैरह वगैरह। और अंदर आज मसला ये हो गया, काजी साहब पे भी तनकीद हो रही है, ये भी मैं बता दूँ, वकला में जो आपस में गुफ्तगू हो रही है उसमें काजी साहब पे भी तनकीद हो रही है। मैंने कल अपने व्लॉग में कहा था कि नौ टोटल अरकान हैं जुडिशल कमीशन के, चार इस तरफ हैं कि सीनियरिटी का कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं आने दे, और चार जो हैं वो माजी में ये कह चुके हैं कि सीनियरिटी लिस्ट नहीं तोड़नी। और कास्टिंग वोट होगा मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद का, जो पहली दफ़ा कमीशन के इजलास में शरीक हुए। काजी साहब जो है वो मुल्क से बाहर हैं, अमेरिका में, कल मैंने बात की थी। अब वो उस इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए भी शरीक नहीं हुए। अब आठ अरकान जो हैं जुडिशल इस वक्त जो मैं सूरत हाल है वो बता रहा हूँ कि आठ अरकान पर मुश्तमल इस वक्त जो अजलास है वो हो रहा है। काजी साहब मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ हिस्सा जो सीनियरिटी तोड़ने के बड़े ख़िलाफ़ हैं और मुसलसल वो इख्तलाफ़ करते आए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, अब वकला क्यों कह रहे हैं उनके ख़िलाफ़, क्या क्यों बातें हो रही हैं, वो बातें इसलिए हो रही हैं भाई जी, वो कह रहे हैं कि काजी साहब जो है उन्हें शामिल होना चाहिए था। और अंदर खाते बात यह है कि जस्टिस आयशा मलिक उनके जूनियर रही हैं कराची में, एक चैम्बर में उनके साथ काम किया हुआ है उन्होंने, इसलिए वो अगर अजलास में शामिल होते हैं तो जो पुराना उनका स्टांस था कि लिस्ट नहीं, सीनियरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ज़ाहिर है वो उससे उसको बदल नहीं सकते थे, तो वो अगर नहीं आते अजलास में तो इसका मतलब उनका वोट ज़ाया हो गया, वोट ज़ाया होने का मतलब है उसका फ़ायदा होगा जस्टिस आयशा मलिक या उसको उसके जो तजवीज़ के निंदा हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब, उनकी तजवीज़ को फ़ायदा होगा। अब वो नहीं है, अब जो मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद के हवाले से मैंने कहा था कि बड़े वो अपराइट आदमी हैं, रास्तगोर रास्तबाज, और काजी फायज़ हिस्सा वाले बेंच से वो उठ गए थे ये कहकर के जनाब क्योंकि मेरा अपना ज़ाती मफाद वाबस्ता है इसलिए मुझे नहीं बैठना चाहिए इस बेंच में, और उनके उठने की वजह से एजाज अली हसन साहब जो है उनको भी उठना पड़ा था। अब जो पोजीशन है इस वक्त की, जो फड्डा पड़ा हुआ है अंदर, अब खबर आती है बाहर क्या आती है कब आती है, ये हो सकता है मेरा व्लॉग जब आप सुन रहे हो उस वक्त तक खबर आ चुकी हो, लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अताब अदयाल, अटारनी जनरल खालिद जावेद और वजीर कानून फरोग नसीम, ये चार बंदे जो हैं ये जो चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन हैं आयशा मलिक के हवाले से उनको अप्रूव कर रहे हैं, और चार बंदे ऐसे हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एक है मिस्टर जस्टिस तारक मसूद जो नए मेंबर हैं, जो जस्टिस मशीर आलम की रिटायरमेंट के बाद मेंबर बने हैं, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, वो मुखालफत कर रहे हैं तजवीज़ की लाइन तोड़ने की
और जो वकला की आवाज़ है उसके मुताबिक बात कर रहे हैं वो, और दूसरे हैं जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद और फिर जस्टिस मकबूल बाकर, तीन हो गए, और चौथे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही अब क्या नतीजा निकलता है, मौखर कर देते हैं इजलास या अगले इजलास तक ले जाते हैं, काजी साहब का इंतज़ार किया जाता है, काजी साहब को वीडियो लिंक पे क्यों नहीं लिया गया, ये बात बाद में आएगी। बहरहाल काजी साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है, वहाँ जो वकला इस्लामाबाद में हैं वहाँ मेरी उनके साथ जो बड़े बड़े वकला हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के मेम्बरान अरकान उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि यार काजी साहब ने ठीक नहीं किया, काजी साहब को होना चाहिए था, अगर काजी साहब होते तो ये एक मिनट में फैसला हो जाना था और जस्टिस साहेब मलक जो जूनियर हैं उनका वो ख़त्म हो जाना था केस, उनको ऊपर ले जाने वाला। ये अब देखें ना, सोचने वाली बात यह कि वकला एहतजाज कर रहे हैं, पूरे मुल्क में हड़तालें हैं, ये कहते हैं कि जो वकला तहरीक थी 2007 में शुरू हुई थी जब जजेस निकाले गए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मौजूल किया गया, उस वक्त की तहरीक से मिलती जुलती तहरीक, आज जो हड़ताल हुई है, जो कन्वेंशन्स हुए हैं, जो करारदादे पास हुई हैं, वो कहते हैं कि उसी तरह हैं जैसे आगाज़ था उस तहरीक का जो जिसको हम जजेस तहरीक बहाली तहरीक कहते हैं, उसी तरह की तहरीक थी। अब देखें अब किला बंद होकर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट वाले, बाहर से सिक्योरिटी सिक्योरिटी को अंदर नहीं जा सकता जनाब, जिसका केस नहीं हुआ एक बाकायदा प्रोटोकॉल लग गया हुआ है, पीआर अपना एसओपीज़ वगैरह कोई लगा दिए गए हैं कि कोई जनाब अंदर नहीं आ सकता, अंदर नहीं आ सकता ये क्या अदालत खुली कैसी अदालत है, कभी किला बंद होकर भी मुकदमात की समाप्त हुई है, तो इसमें ऐसी क्या एमरजेंसी थी या अर्जेंसी थी कि फौरी तौर पर जनाब उनको लेके जाना है। वही बात कि आने वाले चीफ जस्टिस जो है उनका ये जमा तफरीक करके बैठे होते हैं कि फ़लाँ तरीक को फ़लाँ ने रह रहा फ़लाँ ने फ़लाँ ने, जब इस मुल्क में हुकूमत एक ही है यार, सीधी बात है। ये सियासतदान जो हैं कोई थोड़ी बहुत दिखाता है अकड़ मज़ाहमत, लेकिन हुकूमत किसी और की होती है, वो जब दिल करता है घर भेज देता है, जीडी रोड पे वे नारे लगाते आते हैं मुझे क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला, जो खड़ा होता है आगे, और जिनकी हुकूमत है उनको चाहिए अपनी अदलिया। ये मैंने पहले भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से मुराद फौज और सब अदलिया है, अब ब्यूरोक्रेसी तो बेचारी नीचे आ गई है बहुत तीसरे दर्जे की, तो उस अदलिया पे क्या एतबार होगा क्या अतमाद होगा जो बाहर पहरेदार खड़े करके अंदर मुकदमात की समाप्त करेंगे, वो क्या होगा। मुझे अभी सुप्रीम कोर्ट के कल रात को कोई 9-10 बजे मेरी बात हुई सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब कह रहे थे कि ये आ रहे बड़े लंबी प्लानिंग करने वाले लोग ने, उनका आप देखें साकब निसार के दौर में जो करवाए थे इन्होंने सजाएँ दिलवाई थी या मुकदमात के फैसले करवाए थे, वो उन जजों से उन बेंचों से करवाए, ये बात समझने वाली है सर, उन बेंचों से करवाए जिनके अरकान आइंदा किसी वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाले थे। साकम सार ने खुद वो निहाल हाशमी तलाल चौधरी और दयानयाल अजीज़ वाले मुकदमा उठा लें, देखें उनको जो सजाएं देने वाले जजेस थे उन वो जो बेंच थे उनको कौन से जज हेड कर रहे थे, ये निकाल लें आप देख लें। मुझे वो जज साहब ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया कि जानबूझ कर ये ऐसा किया गया ताकि नफरतें बढ़े, उसको कबूल ना करें, यानी वो जज अगर सजा दे देता है वो कहते हैं कि जनाब मेरे पास एक केस था बाबर अवान वाला, तो बाबर अवान ने एक लंबी लिस्ट दी कि जनाब जो बंदा माफ़ी मांग लेता है उसको अदालतें माफ़ कर देती हैं, वो एक बड़ी तादाद में मुकदमा उन्होंने बताए कि फलां केस में ऐसा फलां केस में फलां केस में, वो कहते हैं मैंने ट्रिब्यूनल पाकिस्तान को तलब कर लिया ट्रिब्यूनल आ नहीं सके, वरना मेरा मूड ये बन गया हुआ था, वो कह रहे हैं कि बाबर अवान को बरी कर दें निकाल दें माफ़ी कबूल कर लेनी है उसकी, वही नोटिस मिल गया था काकना हिलिया वाले केस से, वो कहते हैं जिन्हें बाद में पता चला ज़ाहिर अंदर जो कार्रवाई हुई थी वो चीफ जस्टिस तक भी पहुँची, उस वक्त जो भी चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने बेंच ही बदल दिया, वो केस मुझे कहीं और भेज दिया, और वो ये हो रहा है, और वो कहते हैं कि वो जाती अब जिनको सजाएं हुई हैं जो माफ़ी के बावजूद निहाल हाशमी तो माफ़ी मांग ली थी
माफी के बावजूद सजा दी गई, उस बेंच के जो जज थे उनके हवाले से निहाल हाशमी का कभी नरम गोशा कैसे हो सकता था। और तलाल और बंदियाल जो दानियाल अजीज थे उन्होंने इसलिए माफ़ी नहीं मांगी थी, उन्हें पहले मिसालें सामने आ रही थी कि इन्होंने जनाब हर सूरत में हर हाल में सजा देनी देनी है। और फिर उन जजेस के बारे में वो जो एक खलीज थी वो बढ़ती जाती है। बहरहाल अब चार चार का ऐसे बराबर जा रहा है मामला। जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब को मनाने के अंदर कोशिश हो रही है कि जनाब कायल करने की, मनाना कि कायल करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आप ये बड़ा मसला बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो गया, अनाए निकालेंगे यार आइन के और कानून के मुताबिक चलें। अगर वकील कहते हैं कि कानून यही है, जब तक तरमीम नहीं होती तो उस वक्त तक सीनियरिटी को यार आप ना छेड़ें, तो इसमें क्या ऐसा है। अब आते हैं बात अली अहमद कुरत। अली अहमद कुरत जो है वो मर्द हुर्रियत हुर है एक तरह से, और मुजाहिद आज़ादी की अदलिया मैं उनको कहता हूँ। जब 2007 में पहले इफ्तिखार चौधरी को मजूल किया गया, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे मुअत्तल किया गया था, फिर पीसीओ के तहत 2007 में नवंबर में वो आगे जज फारग कर दिए गए, दर्जनों 43 जज तकरीबन वो बनते हैं, या 63 या 43 मुझे थोड़ी जब फिक्र में आगे पीछे हो गया, वो फारग किए गए थे उस पीसीओ के तहत 2007 वाले। तो उस वक्त जनाब अली अहमद कुरत पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे, फिर 2009 में जब तहरीक अरूज पे थी उस वक्त पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे। और मैंने देखा जब लाहौर में कन्वेंशन पहला जो है ना कन्वेंशन मुशरफ के अदलिया के ख़िलाफ़ इकदाम अतला लाहौर में हुआ था, तो पूरी लाहौर को घेरा डाला हुआ था पुलिस ने, और उस वक्त जो वो शेलिंग करने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो सुप्रीम हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आ गई थी, और सारे वकील इधर उधर, लेकिन ये पतले से तो हैं, दुबले पतले से आपने टीवी में देखा ही होगा, तो ये अकेले बंदे थे और कह रहे आओ आओ आओ, ये गेट तक मस्जिद गेट जो है उस तक चले जाते, हम एक बिल्डिंग जो थी हाई कोर्ट की कोर्ट रूम के ऊपर बालकोनी में हम खड़े थे, साफ़ी जो हैं वो शेलिंग हो रही थी, धुआं तो वो जो उसका है हमारे हम भी मुतासर तो हो रहे थे, लेकिन ये बंदा आगे बढ़ता जा रहा था। दबंग है, बात जो करता है ये लिगी लिपटी रखे बगैर कड़क दे के, जो होता है जहन में और सच समझता है वो कह देता है, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है बेटा, और एस्टेब्लिशमेंट इसके ख़िलाफ़ है। वो मुझे एक साहब बता रहे थे टीवी पे कि एक दफ़ा हमने बुला लिया तो वो नाराज़ हो गए कि कुर्दों क्यों बुलाया, अली अहमद कुरत टीवी पे क्यों आया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। अब मरियम नवाज जो करने जा रही हैं, वो पिछले वीर आगे हमने बताया था कि कोई उन्होंने कुमवाद है मुख्तलिफ किस्म का मिला जुला, जो ये साबित करेगा कि इनके ख़िलाफ़ इनको दबाव के तहत और बदनीति के साथ किस किस ने प्रेशर डाला, कैसे कैसे प्रेशर डाला, कौन सी फाइल कहाँ गई, किसका फ़ोन किसको आया, व्हाट्सएप मैसेज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर होने वाला जज क्या कर रहा था। अब जो हो चुका है, एक हाजिर सर्विस जज क्या था, और वो साहब जिन्होंने तस्वीर लीक की थी और बाद में उसकी हसैन नवाज की, और बाद में फिर वो उनकी प्रमोशन भी हो गई थी, वो भी कोई अफसर हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो इस तरह की वो सारी चीज़ें जमा तफरीक हो रही है। अब अली इन्होंने वो अमजद परवेज साहब का जिक्र मैंने किया था कि वो नहीं पेश होने का, मैं वकील बदलना है, लेकिन वो अमजद परवेज साहब ये कहा शनीद है कि वो वापस आएंगे। बहरहाल एक पैनल बनाना चाह रहे हैं, एक तो बैरिस्टर जफरुल्ला हैं जो पनामा केस में भी वकील थे नवाज शरीफ के और सेनेटर रहे इनकी तरफ से, तो एक तो वो है, और दूसरा अली अहमद कुरत, उनका मैंने बताया है वो कौन है, कैसे दबंग आदमी। अली अहमद कुरत साहब को वो लेना चाह रहे हैं पैनल में, वकला के पैनल में, लेकिन अली अहमद कुरत साहब ने माजरत कर ली है। वो माजरत इसलिए नहीं कि वो डर गए हैं, उनकी माजरत की वजह और है, मेरी बात हुई है ये वीला करने से 15 मिनट पहले उनसे, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि इन्होंने मरियम नवाज लोगों ने रब्ता किया है अली अहमद कुरत साहब से, तो मेरी बात हुई है उनसे अली अहमद कुरत साहब से कि आप वकालत के लिए क्या लाए अमल बना रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मैंने मुझसे रब्ता किया है, मैंने इनकार कर दिया, वो उसकी वजह है, उन्होंने कहा ये नहीं कि
मैं कोई उस मटेरियल से खौफजदा हूँ या उसके जो असरात हो सकते हैं उनसे। असल में बात यह कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तक मैंने कदम ही नहीं रखा। वो भी क्यों नहीं रखा ये भी बताते हैं, वो खुद ही बताते हैं। वो कहते हैं कदम ही नहीं रखा, ना ही मैं जाऊँगा। मैं आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी जज के आगे पेश ही नहीं हुआ। उसकी वजह उन्होंने ये बयान की है कि जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं अतर मुनिल्ला साहब, वो मेरे गहरे दोस्त हैं, ज़ाती दोस्त ये। और जब वकला तहरीक थी तो वो तर्जमान थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के, अतर मुनिल्ला साहब। तो अब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो कहते हैं जब से वो वहाँ बने हैं जज, चीफ जज, तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने लिख के दिया हुआ है कि मैं इस अदालत में, यानी मैंने तय किया हुआ है कि मैं इस अदालत में पेश नहीं होऊंगा। इसलिए ये वकला का होता है कि जजेस का होता है कि जज जो हैं अगर किसी हाई कोर्ट का जज है तो उसके बेटे जो हैं वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते, ये एक रवायत है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो पूरे पाकिस्तान में वो उनके बेटे जो हैं जो वो नहीं करते। लेकिन अब तो भाई दामाद जो है उसने नहीं डाल देते हैं, ऊपर चीफ जस्टिस बैठा हुआ अंदर नीचे दामाद जो है वो अपना जनाब काम कर रहा है, फिर जो आने वाला चीफ जस्टिस है उसका दामाद भी वकील है। इस तरह यार हो जाता है यार। अब की बात मैं कर रहा हूँ, ये फिर स्टे भी हो जाते हैं उनके। तो अली अहमद कुरुत साहब कहते हैं मैं इसलिए वकालत से मैंने माजरत कर ली है कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ही नहीं होता। और उसकी वजह भी उन्होंने बता दी कि वहाँ अतर मुनिल्ला साहब मेरे ज़ाती दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा तासर मिले कि मुझे कोई रिलीफ मिला है इस बना पर कि मैं उनके ज़ाती दोस्तों में से हूँ। और दूसरी बात जो है, जो रिकार्ड शिकार्ड की बात है, वो मुझे किसी ने बताया है कि वकला की जो है मीटिंग शीटिंग वो कल या परसों, मेरे कल कल ही होगी या परसों होगी, ये आगे पीछे दिन हो सकते हैं, वो 6 बजे से शाम से रात 10 बजे तक 4 घंटे मीटिंग हुई है। और वो मीटिंग जो है और जो रिकॉर्ड वगैरह है वो ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा किसी को, और मुसद्दका जो रिकॉर्ड है जो अनएडिटेड जिसकी एडिटिंग नहीं हुई, सही खाम शक्ल में मटीरियल। एक तो ये है कि फॉरेंसिक उसका बाहर से करवा लिया जाए, और कुछ रिकॉर्ड का हो सकता है फॉरेंसिक वो बाहर से हो भी चुका हो, जैसे अरशद मलिक वाली जो वीडियो थी उसका वो फॉरेंसिक पहले हो गया हुआ था, ताकि ये जालसाजी का तासर जो है वो ऐसी किसी फर्म से उसका फॉरेंसिक करवा लिया जाए जो मुस्तनद हो, पूरी दुनिया में मानी जाती हो। एक तो ये है, और दूसरा वो रिकॉर्ड जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर महफूज कर दिया गया है, अगर एक जगह से गायब भी हो जाए, आपको पता चोरियाँ भी हो जाती हैं ना यार, वकला के चैम्बर ताले टूट जाते हैं, सामान निकाल कर ले जाते हैं, लैपटॉप गायब हो जाते हैं, इवन वकील गायब हो जाते हैं यार इस मुल्क में। लेकिन वो उन्होंने हिफ्ज़-ए-मात कदम के तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे, ऐसी जगहों पे या ऐसे लोगों के पास वो महफूज है जो चोरों की दस्तरस से बाहर हैं जो डाकुओं और चोरों की दस्तरस से बाहर हैं, उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। अगर एक जगह से गायब भी हो जाए तो दूसरी जगह वही चीज़ मौजूद होगी फॉरेंसिक ऑडिट समेत। और मुझे तो ये भी कहा गया है कि वो जो मीटिंग होती है वो किसी जजेस के, वो वकला के चैम्बर में, किसी पैनल वालों के चैम्बर में नहीं होगी। वहाँ बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो भी वो लीक नहीं करना चाह रहे हैं, मे बी कोई ऑडियो शेडियो की बात तो है, हो सकता है कोई वीडियो शेडियो भी ऐसी हो, लेकिन वो शायद उसको नहीं पेश करेंगे अभी। सरदस्त तो यही कुछ और रिकॉर्ड जो है वो ढूंढ रहे हैं। और वो मुझे तो ये भी किसी ने कहा कि इन्हें कहा गया है कि कोशिश करें कि ट्रैकर वाली गाड़ी इस्तेमाल ना हो, वो मूवमेंट का पता चल जाता है ट्रैकर से। अगर वो मेरा पासवर्ड किसी को पता है या नहीं भी पता, वो जो ट्रैकिंग कंपनी है उससे कोई भी पूछ ले जनाब इस वक्त गाड़ी की पोजीशन क्या है, वो बता देते, और वो जिन्होंने पूछना है वो तो पूछ ही लेंगे। वो मीटिंग शीटिंग का वो इसलिए कि वो रिकॉर्ड शिकार्ड का, फिर वो उनकी तहरीरी शक्ल में लाना चीज़ों को, वो सारा लीक होने से बचाना, प्रेशर से बचना, ये सारी इस तरह की कोई उनकी चल रही है मामला। तो जो अदलिया है इसके हवाले से मेरा दिल दुखी है। ये एक अदारा है जो काम कर रहा है उसे ही आइन के दायरे के तहत,
तो सारे तमाम अदारे आइन के ताबे आ जाते हैं, हदूद क्रॉस नहीं करते। अब एक एक तकर्र पे झगड़ा हो रहा है, वकला एहतजाज कर रहे हैं, किला बंद हो के अदालतें बैठी हुई हैं। ओपन हो यार, मैं जाके केसों की समाज सुनूँ, आप जाके केसों की समाज सुने, सामने बैठे हुए जज के देख के अल्लाह याद है, अल्लाह की कुदरत याद है, अल्लाह का इंसाफ याद है। लेकिन यहाँ मुतनाज़ा और फिर तनाज़ा ऐसे ही चल रहा है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह शाम को दोबारा मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ, मज़ीद तजज़ियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।